और आज के ब्लॉग में मैं बस जर्नी करने वाला हूँ यहाँ रायपुर से कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यानी मुंबई। बस का इंटीरियर सही में यार मुझे तो बहुत लाजवाब लगा। तो स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र में। और जी बस अभी पहुंच चुकी है नागपुर में। खाना खा के एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि खाने का टेस्ट आखिर कैसा रहने वाला है। तो जी फाइनली हमने एंट्री कर ली है समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं शिरडी और ये सामने आप जो देख रहे हो ना ये है साईं बाबा जी का मंदिर। तो स्वागत है आप सभी का बोरीवली में और स्वागत है आप सभी का मुंबई में। हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत और फ्री एडवेंचर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ और रायपुर। तो एक और नया दिन एक और नया ब्लॉग और आज के ब्लॉग में मैं बस जर्नी करने वाला हूँ यहाँ रायपुर से कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यानी मुंबई। वैसे आपको बता दूं आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ नवीन ट्रांसपोर्ट की सतलज बिल्ड बस में। और बाकी सतलज के बारे में आपको पता ही होगा कि भाई पंजाब की एक कंपनी है जो कि बस वगैरह बिल्ड करती है और काफ़ी शानदार बसेस बनाती है और खासकर जो उसका इंटीरियर रहता है ना वो तो भाई साहब लाजवाब रहता है। तो सतलज बिल्ड बस में इस बार पहली बार मेरी जर्नी रहने वाली है। बाकी बात करें जर्नी डिस्टेंस की तो जर्नी डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 1050 किलोमीटर। बस यहाँ रायपुर से रवाना होगी 12 और कल सुबह बोरीवली मुंबई हमें पहुँचा देगी 10:30 बजे के आसपास तो पहुँचा देगी। और बाकी देख लीजिए ये है रायपुर का कुछ बस स्टैंड। और बात करें मौसम की तो यार छत्तीसगढ़ का मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, प्लीजेंट सा मौसम रहता है। और सुबह सुबह बारिश हो गई तो मौसम जो है ना और ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। तो चलिए भाई मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा मुंबई की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ रायपुर से मुंबई की। बाकी भाई देख लीजिए बस में फाइनली बोर्ड कर लिया और बस का इंटीरियर चेक करो यार, देख रहे हो कितना शानदार है। 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। 2 स्लीपर इधर हैं, 1 स्लीपर इधर है, सेम ऊपर भी और सेम नीचे भी। बाकी यार बस का इंटीरियर सही में यार मुझे तो बहुत लाजवाब लगा। ऊपर ही लाइटिंग देखो यार कितनी शानदार लग रही है, देख रहे हो ये देखिए। बाकी हर स्लीपर बर्थ पे यहाँ पे आपको नवीन ट्रैवल की तरफ से पिलो देखने को मिल जाते हैं, साफ सुथरी बेडशीट यहाँ मौजूद है, ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया है। और बस में देख लीजिए बस में यहाँ पे आपको बैकरेस्ट देखने को मिल जाएगा, फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाएगा, ऊपर USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है, बाकी AC ब्लोर इधर आपको देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप यहाँ पे मौजूद। और बाकी देखो हर स्लीपर बर्थ के साथ में ये जो फ्रेम दे रखे ना होल्ड करने के लिए भाई काफ़ी शानदार मुझे लगे। और कभी कभी मेरे मन में भी डर रहता है स्लीपर बर्थ में ट्रैवल करते टाइम कि भाई कभी मैं सो रहा हूँ और बस थोड़ी बहुत टिल्ट हो तो मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, और आपके मन में भी कभी कभी वो डर रहता होगा। लेकिन इस बस में जो फ्रेम दे रखा है ना बहुत सही है यार। और देखिए इन्हीं फ्रेम पे ना आपको स्लीपर बर्थ नंबर भी देखने को मिल जाते हैं, ये देख रहे हो ये लाइट में नंबर मेंशन है, ये स्लीपर बर्थ नंबर दिए हुए हैं यहाँ। तो कुल मिला के भाई ये सतलुज बिल्ड बस एक नंबर है। बाकी आपको बता दूं ये बस ना आइशर के चेसिस में बिल्ड हुई है। क्या है ड्राइवर साहब? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? दिलेश्वर कुमार साहब। अच्छा, और कितने टाइम हो गया आपको बस ड्राइव करते हो, कितना एक्सपीरियंस हो गया? 10 साल। और बाकी अपने दूसरे ड्राइवर साहब है, क्या नाम है सर आपका? चेतन। और ये अपने कंडक्टर साहब है, क्या हाल है सर? क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। और आप क्या मैनेज करते हो नवीन ट्रेवल्स में? मैं भी इनकी गाड़ियाँ आप देखता हूँ रायपुर से जो जाती है जितनी भी, मैं उनको टाटीबान या सिटी के बाहर तक छोड़वाता हूँ। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया? आप बढ़िया भैया। अजय ड्राइवर साहब ये बस का रूट क्या रहता है? रायपुर से 12:05 को निकलता है, यहाँ से दुर्ग जाएगा, दुर्ग से फिर राजनांदगांव जाएगा, राजनांदगांव से देवरी जाएगा, देवरी भंडारा जाएगा, भंडारा से नागपुर, समृद्धि हाईवे से वाया शिरडी जाएगा, नासिक जाएगा, नासिक से मुंबई जाएगा। तो जी बस पहुंच चुकी है रायपुर सिटी से करीबन 30 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के एक काफी इंपॉर्टेंट शहर यानी भिलाई में। और भिलाई के बारे में आपको बताइए कि भाई भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट मौजूद है जो कि करीबन 11 बार से भी ज्यादा बार बेस्ट स्टील प्लांट की ट्रॉफी जीत चुका है। और बाकी भिलाई का जो स्टील प्लांट है ना वो इंडियन रेलवे को भी स्टील रेल प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा भिलाई को ना मिनी इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की डाइवर्सिटी बहुत है, उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इस वजह से ना भिलाई को मिनी इंडिया भी बोला जाता है।
तो भाई बस अभी पहुंच चुकी है दुर्ग। टाइम हो गया है 1:20 और दुर्ग में बेसिकली छोटा सा हॉल्ट लिया है डीजल फिलअप के लिए। अच्छा ड्राइवर साहब एक चीज बताओ, ये पूरी जर्नी के दौरान कितने लीटर डीजल डल जाता है इसमें? 750 लीटर। 750 लीटर अप एंड डाउन का? जी हाँ। और ये जो पूरी जर्नी है रायपुर से मुंबई तक की कितने किलोमीटर की रहती है? 1300 किलोमीटर। तो जैसा ड्राइवर साहब बता रहे थे कि भाई 1350 किलोमीटर की जर्नी रहती है, गूगल पे हमने चेक करा था तो 1050 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, लेकिन आपको पता है कि भाई बस जो एक अलग रूट को फॉलो करते हुए जाती है गूगल हमेशा हमें शॉर्टकट रास्ता दिखाता है। तो मेन बात है कि जो जर्नी रहने वाली है 1350 किलोमीटर के आसपास की जर्नी रहने वाली है रायपुर से मुंबई तक। और भाई डीजल फिलअप करके बस अभी पहुंच गई है दुर्ग बस स्टैंड। और क्योंकि आपको पता है कि भाई छत्तीसगढ़ में ना जितने भी बस स्टैंड है वहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स के भी ऑफिस रहते हैं, तो यहाँ दुर्ग बस स्टैंड में नवीन ट्रेवल का भी ऑफिस है जिसके बाहर अभी बस रुकी हुई है। कुछ पैसेंजर वगैरह की बोर्डिंग यहाँ से है, पैसेंजर बोर्ड करेंगे फिर उसके बाद सफर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई दुर्ग से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ, और ये भी कमेंट करके बताना कि भाई दुर्ग किन किन चीजों के लिए फेमस है, एक तो भिलाई सिटी के लिए फेमस है और किन किन चीजों के लिए दुर्ग फेमस है वो भी कमेंट करके बताओ। अच्छा इसके अलावा जितनी भी सिटी इस वीडियो के दौरान मैं मेंशन करूंगा ना, आपका काम यह है कि आपको कमेंट करके बताना है कि भाई वो सिटी किन किन चीजों के लिए फेमस है, और जिन जिन सिटी से आप बिलोंग करते हो वो भी कमेंट करके बताओ, जरा पता तो चले ना हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक है भाई। तो भाई टाइम हो गया है 2:20 और बस पहुंच चुकी है राजनांदगांव। और बाकी अभी मैं ना डबल स्लीपर बर्थ पे आ गया हूं, क्योंकि मेरी वाली स्लीपर बर्थ पे ना चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा था, स्टाफ बता रहा था कि सुबह सुबह वो चार्जिंग पोर्ट ख़राब हुआ है। तो अभी डबल स्लीपर बर्थ पे आ गया हूं क्योंकि यहां पे जो पैसेंजर बैठने वाले हैं ना वो नागपुर से बस में बोर्ड करेंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा कि भाई यहां बैठ के फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज कर लिया जाए। हालांकि मैं पावर बैंक भी लेके चलता हूँ, लेकिन ठीक है जब बस में चार्जिंग की सुविधा दी गई है तो क्यों पावर बैंक की बैटरी काम का मैं ख़त्म करनी। बाकी हाँ यार एक चीज़, स्लीपर बर्थ में जो बैकरेस्ट और हेडरेस्ट है ना ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देखिए ऐसे आपको समझ आएगा, ये देखिए देख रहे हो कितने सॉफ्ट हैं कितने स्पंजी हैं, ये देखो पिलो की क्वालिटी भी अच्छी है। और बाकी देख लीजिए ऐसी कुछ ही डबल स्लीपर बर्थ अंदर से देखने में, बाकी ये सिंगल स्लीपर बर्थ है। और मेरी वाली जो बर्थ है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग सबसे आएगी अपर सिंगल स्लीपर बर्थ। और ये सामने आप जो एरिया देख रहे हो ना इसको बोला जाता है बाघ नदी, और बाघ नदी इसका नाम पड़ा है बाघ रिवर के ऊपर। और बाकी यही बाघ नदी वाले एरिया में ना पास में एक डैम भी मौजूद है इस रिवर के ऊपर जिसको बोला जाता है सिरपुर डैम। और इस बाघ नदी के बारे में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये बाघ नदी एक तरीके से बाउंड्री का काम करती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्टेट के बीच। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये नदी हम क्रॉस कर लेंगे कहीं ना कहीं हम एंटर हो जाएंगे महाराष्ट्र के बॉर्डर में। तो देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र की चेक पोस्ट पे, और यहाँ पे ना व्हीकल्स का वेइंग वगैरह होती है, मतलब वेट वगैरह चेक करा जाता है। और आपको पता है कि भाई चेक पोस्ट पे अगर व्हीकल ओवरवेट निकलता है तो फिर यहाँ पे फाइन वगैरह भी देना पड़ता है। तो स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र में। तो जो जो लोग भी महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपनी हाजिरी कमेंट सेक्शन में एक बार दे दो सर, और ये भी कमेंट करके बता दो कि भाई महाराष्ट्र में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।
और जी बस ने अभी क्रॉस करा था सकोली नाम के एरिया को, और यहाँ सकोली से ना पास ही में काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है जिसको बोला जाता है नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना एक टाइगर रिजर्व भी है, और सकोली से इतने नज़दीक है एक बार यहाँ पे आसपास के एरिया में कहीं लिपट आ गया था जिसका रोड एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। और जैसे ही हम महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से देवरी के बाद से ना मोस्टली आपने रोड पे भी देखा होगा कि भाई रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो गूगल करने में मुझे पता चला कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भंडारा नाम की एक जगह पड़ती है, नागपुर से पहले ही पड़ती है, तो वहाँ तक ये पूरा प्रोजेक्ट पास करा हुआ है। तो बेसिकली रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है ताकि भाई रायपुर से नागपुर पहुंचना आसान हो सके। तो जी टाइम हो गया है 5:50 और बस पहुंच चुकी है भंडारा, और बाकी चलिए अब बस का फेयर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रायपुर से मुंबई तक इस बस जर्नी करने के लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ा। तो आपको बता दूँ कि भाई इस जर्नी के लिए मैंने पे करे थे करीबन 2300 रुपये, यानी 2300 रुपीज़। और बस की टिकट बुकिंग की बात करें तो नवीन बस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा। उसके अलावा कोशिश करूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूं जिस पर कॉल करके आप डायरेक्ट टिकट भी बुक करवा सकें। और उसके अलावा रेड बस अभी बस पेटीएम बजट प्लेटफॉर्म से भी आप इनकी बस के टिकट बुक कर सकते हैं। तो जहां से आपको सहूलियत लगे, तीन तीन मैंने ऑप्शन आपको दे दिए, वहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बस का फेयर डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अभी 2300 रुपये में बुक करा तो हमेशा 2300 रुपये ही रहेगा। वीकेंड और वीकडेज पे अलग रहता है, त्योहारों पे अलग रहता है, तो बेसिकली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है फेयर जो होता है, डायनेमिक होता है। तो जी टाइम हो गया है 7:05 और हम पहुंच गए हैं ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया यानी नागपुर में। देखा जाए तो महाराष्ट्र की तीसरी बड़ी सिटी है आफ्टर मुंबई एंड पुणे, और ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो अगर आप में से कोई नागपुर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ। अरे ड्राइवर साहब, नागपुर के कौन से एरिया में पहुंच गए हैं अभी? गणेशपुर बस। और जी बस अभी पहुंच चुकी है नागपुर में छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के पास। यहां पे भी एक बोर्डिंग पॉइंट रहता है, बाकी सारे बोर्डिंग पॉइंट की बात करें अगर नागपुर में तो बैद्यनाथ चौक, गणेशपेट, लोहापुल, धर्मपेट और उसके अलावा ये छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन। तो ये कुछ बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं नागपुर। और बाकी बात करें नागपुर की तो भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत ये शहर है। बाकी देख लीजिए ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे अभी बस रुकी है, छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन। सो ऑल बोर्डिंग इज डन और बस दोबारा से निकल पड़ी है अपने सफर पे। बाकी यहाँ नागपुर से आगे शिरडी तक का सफर हमारा रहने वाला है समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई इस एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि इससे पहले इस एक्सप्रेसवे पे मैंने तो ट्रैवल नहीं करा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और कुछ ही देर में ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने वाला है। तो भाई नागपुर सिटी क्रॉस करते ही जस्ट बस ने हॉल्ट लिया है डिनर के लिए। टाइम हो रहा है 8:20 और भूख बहुत जोरों शोरों से लग रही है। तो चलिए पहले रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, पेट का काम 25 करते हैं और बाकी बातें करते हैं बाद में। लेकिन आपको बता दूं रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है स्वागतम फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। तो देख लीजिए भाई बस के स्टाफ के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, देख लीजिए सारे खाना खा रहे हैं। हाँ जी भैया खाया जाए फिर खाना। तो देख लीजिए खाना लग भी चुका है यहाँ पे, रोटी लग चुकी है, छोले की सब्जी लग चुकी है, इधर कोफ्ता भी मौजूद है, बाकी सैलड वगैरह है, तो काफ़ी सारा आइटम खाने का लग चुका है। बाकी यहाँ का जो कंसेप्ट है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया, ओपन गार्डन ये रेस्टोरेंट है, तो जो ये थीम है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठ के खाने का जो मज़ा है वो भी अलग ही होता है। तो चलिए भाई खाना खा के एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि खाने का टेस्ट आखिर कैसा रहने वाला है। कोफ्ता टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। कोफ्ता बढ़िया बना रखा, आपको कैसा लगता है ड्राइवर साहब खाना आएगा? बहुत अच्छा। और भैया आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा रहता है। एक बार छोले की सब्जी और टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। खाना बढ़िया है भाई, बहुत ज़्यादा तेज मसाले नहीं है, नमक भी ठीक डाला हुआ है, ओवरऑल खाने का जो टेस्ट है ना बढ़िया है, मज़ा आ गया खा के। तो चलिए खाना फिनिश करते हैं पहले।
सो जी फाइनली हमने एंट्री कर ली है समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 6 लेन चौड़ा ये एक्सप्रेसवे करीबन 55,000 करोड़ की लागत से बनके तैयार होने वाला है। होने वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फुली कंप्लीट नहीं है, पार्शियली ओपन है। वैसे आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ जब ये फुली कंप्लीट हो जाएगा तब रहने वाली है करीबन 701 किलोमीटर। और क्या शानदार ये एक्सप्रेसवे आप देख ही रहे हो। टाइम हो गया रात के 10:05 और अब थोड़ी सी ना नींद आ रही है और जागने का थोड़ा सा ना फायदा भी नहीं है क्योंकि समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे की जर्नी रहने वाली है कंप्लीट। तो स्ट्रेट एक्सप्रेसवे है बिल्कुल और सीधा शिरडी पे जाके खत्म होगा। शिरडी यहाँ से करीबन 470 किलोमीटर के आसपास बसता है और बस भी हमारी 100 पे अनलॉक। तो मुझे लगता है कि 5-5.5 घंटे में तो शिरडी पहुँच जाएंगे। तो कोशिश करूँगा अगर शिरडी के आसपास नींद खुल गई तो आपको अपडेट दे दूंगा, अदरवाइज जहाँ पे नींद अब मेरी खुलेगी ना वहीं सीधा आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलिए फिलहाल सोते हैं और जहाँ पे नींद खुलती है वहाँ पे अपडेट आपको देते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। टाइम हुआ है सुबह के 4:05 और करीबन 15 मिनट पहले ही ना हमने समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट लिया है और अभी यहाँ पहुँच गए हैं शिरडी में। और बाकी एक मन तो मेरा कर रहा है कि भाई यहीं शिरडी में उतर जाऊं और साईं बाबा जी के दर्शन करके जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भाई डेस्टिनेशन हमारी मुंबई है तो वहां तक तो आपको जर्नी दिखानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, दोबारा आएंगे तो साईं बाबा जी के दर्शन भी करके जाएंगे। वैसे लास्ट ईयर में अप्रैल मई के आसपास आया था शिरडी, तब साईं बाबा जी के दर्शन में करके गया था। बाकी अगर आपने कभी यहाँ शिरडी में आकर साईं बाबा जी के दर्शन करें तो कमेंट करके बताओ, और अगर आना चाहते हो तो भी कमेंट करके बताओ। तो वही टाइम हुआ है सुबह के 7 बस पहुंच चुके हैं शिरोल। छोटा सा हॉल्ट यहां पे लिया गया है, रेस्टोरेंट का नाम है होटल हाईवे फेमस। बाकी शिरडी के बाद जो नींद आई है ना भाई साहब, नासिक निकल गया, कसारा घाट निकल गया, अब जाके सीधा नींद खुली है। हालांकि कसारा घाट पर अगर मैं जागा हुआ भी होता तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अभी अभी उजाला हुआ है, उससे पहले अंधेरा ही चल रहा था। बीच में मेरी नींद थोड़ी देर के लिए खुली थी, देखा कि अंधेरा तो दोबारा सो। चलो कोई नहीं भाई, अभी फाइनली नींद खुल गई है जब रेस्ट स्टॉप पे पहुंचे। और बाकी बात करें मौसम की तो मौसम में ना हल्की हल्की सी ठंडक है। और बाकी यही रेस्ट स्टॉप से देखो खूबसूरत नज़ारे, छोटी छोटी हरी भरी पहाड़ियों को दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तो हरियाली उतनी नहीं है, मानसून के टाइम पे एक बार आया था और इसी रेस्ट स्टॉप पर रुका था, तो आसपास की जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ना सारी टोटली ग्रीन थी और क्या नज़ारे थे उस टाइम पे अल्टीमेट। तो सच में यार मानसून टाइम पे जो नज़ारे थे ना भाई साहब वो अल्टीमेट थे। मुझे याद है अपनी वाइफ के साथ में आया हुआ था, जो नज़ारे थे यहाँ के आसपास के जबरदस्त। टाइम हो गया 8:30 और बस पहुंच चुकी है भिवंडी। वैसे आपको बता दूं भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और काफ़ी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सेटअप भी देखने को मिल रहा है सिटी में ना। बाकी गूगल करने को पता चला कि भाई ये MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर भी आता है, जैसे दिल्ली NCR होता है ना, मतलब दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज को मिला NCR रीजन पूरा तैयार कर दिया गया था जिसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। ऐसे मुंबई और उसके आसपास की टेरिटरीज को ना मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में शामिल करा गया ताकि उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके, उनकी भी थोड़ी सी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और भिवंडी के बाद जैसे ही आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देना शुरू हो जाए ना तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं ठाणे में। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ठाणे। बाकी अगर कोई ठाणे में से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ जरा। तो जी ठाणे क्रॉस करके बस ने एंट्री कर ली है मुलुंड ईस्ट में, जहाँ से हमारी एंट्री हो गई है कहीं ना कहीं मुंबई में। तो स्वागत है आप सभी का मुंबई में।
और बाकी मुंबई में अपनी एंट्री हो तो गई है, लेकिन अभी अपने को ना पूरी मुंबई नापनी है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेके हम पहुँचेंगे सायन तक, और उसके बाद हम लेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और कहीं ना कहीं बैंड्रा अंधेरी ईस्ट होते हुए फिर पहुँचेंगे बोरीवली वेस्ट, जो कि इस बस का लास्ट पॉइंट भी और अपना ड्रॉपिंग भी वहीं पर रहने वाला है। तो देख लो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं सायन, और यहां से हम एग्जिट लेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से और एंट्री लेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और पहुंचेंगे कहीं ना कहीं बोरीवली की तरफ। और ये सामने देखिए भाई, मुंबई की बेस्ट डबल डेकर बस। और देखिए ये सामने आप जो डोम टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है सहारा का 5-स्टार होटल, और जस्ट इसके बैक साइड पे मौजूद है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्वागत है आप सभी का बोरीवली में, और स्वागत है आप सभी का मुंबई में। बाकी बस के लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट की बात करें ना, तो वो रहता है बोरीवली वेस्ट में गोकुल होटल, लेकिन मैं बस के साथ नीता पार्किंग में चले गया था, जहाँ बस वगैरह पार्किंग होती है। गोकुल होटल से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास वो पार्किंग पड़ती है। और बाकी बात करें जर्नी की, तो भाई जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, स्टाफ अच्छा था, एमिनिटीज़ अच्छी दी गई थी, और बस कंफर्टेबल थी सबसे बड़ी बात। तो कुल मिला के भाई जर्नी काफ़ी बढ़िया थी। बाकी जर्नी के दौरान कोशिश करी मैंने आपको काफ़ी सारे शहर दिखाने की, और ऑब्वियसली बात है कि भाई इतने सारे शहर पड़ते हैं तो सारे दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। उसके अलावा नागपुर मुंबई एक्सप्रेस में मैंने आपको दिखाया, शिरडी में साईं बाबा के मंदिर के दर्शन हमने आपको बाहर से करवा दिए। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, बाकी आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताओ, और अगर कोई मुंबई से वीडियो देख रहा है ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मुंबई के कौन से पहाड़ से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए जी, जितनी डिटेल थी इस बस जर्नी वो ब्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, सो उस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।